सबको नमस्कार। 2 दिन पहले मैंने दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगे थे कि 17 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, 17 तारीख के बाद क्या लॉकडाउन ख़त्म कर देना चाहिए या लॉकडाउन में कुछ ढील देनी चाहिए, अगर ढील देनी चाहिए तो कितनी ढील देनी चाहिए। परसों शाम को मैंने सुझाव मांगे थे, एक ही दिन का टाइम था। एक दिन का टाइम इसलिए था क्योंकि सोमवार को प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी और प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को कहा था कि भाई आप अपने राज्य में 17 तारीख के बाद कितनी ढिलाई चाहते हैं, अपना प्रस्ताव मुझे 15 तारीख के पहले पहले भेजिए। आज 14 तारीख है, हम आज शाम तक अपना प्रस्ताव भेजना चाहते हैं। सभी राज्य अपने अपने प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे और फिर केंद्र सरकार निर्णय लेगी कि कहाँ कहाँ कितना कितना लॉकडाउन अलाउ करना है, दिल्ली के अंदर कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए। ये हमसे सुझाव मांगे केंद्र सरकार ने। मैंने तय किया कि ये सुझाव किसी एसी कमरे के अंदर बैठ के नहीं होने चाहिए, जनता से पूछना चाहिए, एक्सपर्ट्स से पूछना चाहिए, डॉक्टर्स से पूछना चाहिए कि क्या होना चाहिए। इसीलिए मैंने परसों जनता से सुझाव मांगे। 24 घंटे का टाइम था, कल शाम को 5 बजे तक का टाइम था क्योंकि हमें भी टाइम चाहिए था पढ़ने के लिए। और 24 घंटे में आपको यकीन नहीं होगा जान के कि पौने 5 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस आए हमारे पास, 10,700 ईमेल आए और 39,000 लोगों ने फ़ोन करके अपने सुझाव दिए। तो मोटे मोटे तौर पे 5 लाख से ज़्यादा सुझाव हमारे पास आए हैं। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव लोगों ने भेजे हैं, काफ़ी क्रिएटिव सुझाव लोगों ने भेजे हैं। कुछ एक उसमें से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग क्या चाहते हैं, दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं। क्या स्कूल खुलने चाहिए, कॉलेजेस खुलने चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलने चाहिए? अधिकतर लोगों का कहना है कि अभी नहीं खुलने चाहिए, गर्मियों की छुट्टियों तक बंद रहने चाहिए, उसके बाद सोच सकते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि खुलने चाहिए, लेकिन अधिकतर लोगों ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गर्मी की छुट्टियों तक बंद रहने चाहिए। अधिकतर लोगों का कहना था होटल अभी नहीं खुलने चाहिए, लेकिन रेस्टोरेंट खोल दीजिए, खाने की होम डिलीवरी अलाउ कर दीजिए, टेक अवे अलाउ कर दीजिए कि लोग खरीद के और वहाँ से चले जाएं, वहाँ बैठ के ना खाएं। ऐसा कई लोगों का मानना था, लेकिन इस पे लगभग लोगों की सहमति है कि अभी बार्बर की शॉप, नाई की दुकान नहीं खोलने चाहिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है, उससे कोरोना फैलने का डर रहता है। उसी तरह से स्पा, सलून, सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, इसमें अधिकतर लोगों ने कहा कि अभी फिलहाल ये नहीं खुलने चाहिए। लेकिन लोगों ने ये पूछा कि जी ये जो शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आपने कहा है कि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, इसका क्या लॉजिक है? कोरोना से इसका क्या लेना देना है? रात के वक्त इसको, शाम के वक्त लोग बाहर नहीं निकलेंगे, इससे क्या लेना देना है इसका कोरोना का? तो लोगों का कहना था कि ये वाली टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर सबका कहना है कि अभी बुजुर्गों को घर से नहीं निकलने देना चाहिए। जितने हार्ट पेशेंट्स हैं, दमे के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, कैंसर वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए कोरोना जानलेवा हो जाता है। सबका ये मानना है कि इन लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, इन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इन्हें घर के अंदर रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। और एक चीज़, इस पे लगभग सबकी आम सहमति है कि जितना भी खोला जाए सोशल डिस्टेंसिंग
कंपलसरी होनी चाहिए, और कई लोगों ने कहा है कि मास्क ना पहनने वालों पे सख्त फाइन लगना चाहिए, उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मास्क पहनना कंपलसरी होना चाहिए। लोगों ने कहा जी पार्क में जाने की तो इजाज़त होनी चाहिए ताकि सुबह वॉक कर सकें, वॉक करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। लोगों का ये भी कहना है, कई लोगों ने ट्रांसपोर्ट के ऊपर अपने सुझाव दिए हैं, उनका कहना है कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी खुलने चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि एक ऑटो रिक्शा में एक पैसेंजर अलाउड होना चाहिए, टैक्सी में केवल दो पैसेंजर्स अलाउड होने चाहिए, हर सवारी के बाद वो डिसइंफेक्ट करें। अधिकतर लोगों ने कहा कि बसें खुलनी चाहिए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, बस में 20-25 से ज़्यादा सवारियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अभी जैसे पिछले हफ्ते जब लॉकडाउन 3 के दौरान अभी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को खोलने की इजाज़त दे दी गई, तो लोग कह रहे हैं कि इजाज़त तो दे दी लेकिन जाने के लिए साधन तो नहीं दिया ना, सबके पास अपने प्राइवेट व्हीकल तो नहीं है ना, तो लोग जाएंगे कैसे, बसें नहीं खुलेंगे तो जाएंगे कैसे। तो लोगों का कहना है कि कुछ हद तक बसें अलाउ होनी चाहिए कम सवारियों के साथ। कुछ लोगों का कहना है कि मेट्रो भी लिमिटेड तरीके से खोलनी चाहिए, पूरी नहीं खोलनी चाहिए। उसके ऊपर लोगों ने तरह तरह के सुझाव दिए, लिमिटेड तरीका का क्या मतलब हो सकता है। हमारे पास मार्केट एसोसिएशंस के खूब सुझाव आए हैं, कई सारी मार्केट एसोसिएशंस ने सुझाव भेजे हैं, और अधिकतर मार्केट एसोसिएशंस का ये कहना है कि मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स खोलने चाहिए। उन्होंने कहा जी ऑड इवन करके खोल दो, एक दिन आधी दुकान है दूसरे दिन आधी दुकान है। कई लोगों ने कहा कि कई लोगों ने सुझाव दिया कि मॉल्स खुल सकते हैं, 1/3 शॉप्स खोल दो, आधी शॉप्स खोल दो मॉल्स के अंदर, लेकिन शॉपिंग मॉल्स भी धीरे धीरे खुलने की तरफ बढ़ने चाहिए। हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्री एसोसिएशंस के सुझाव आए, इनमें से कई इंडस्ट्री एसोसिएशंस के बाद साथ मार्केट एसोसिएशंस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई अलग अलग तरह की। इंडस्ट्री एसोसिएशंस का कहना है कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ खुलने चाहिए, वैसे तो अभी फ़िलहाल भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ खुलना अलाउड है, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ अभी फ़िलहाल अलाउड है कि वहीं पे आसपास रहने वाले मजदूर ही अलाउड होने चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मजदूर तो दिल्ली में जगह जगह रहते हैं, तो दिल्ली के मजदूर अलाउड हों ऐसी व्यवस्था की जाए, लेकिन कंटेनमेंट जोन में जो रेड जोन्स हैं दिल्ली के अंदर, कंटेनमेंट जोन्स के अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटी अलाउ नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हमारे पास आए हैं। 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, 1.5 महीना हो गया, इस 1.5 महीने के अंदर लगभग सारा देश बंद था, पूरी दिल्ली बंद थी। बंद करना तो आसान था, खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अर्थव्यवस्था को खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत तो हम लोग करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। आने वाला समय काफ़ी कठिन समय है, आपके सुझावों के आधार के ऊपर आज शाम को 4 बजे एलजी साहब के साथ हमारी दिल्ली की स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग है। आप लोगों ने जितने सुझाव भेजे हैं इन सभी सुझावों के ऊपर शाम को 4 बजे वाली मीटिंग में चर्चा होगी, और उसके बाद दिल्ली में कितनी ढिलाई दी जाए हम अपने प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार फिर पूरे देश के बारे में निर्णय लेगी कि किस राज्य के अंदर केंद्र सरकार कितनी ढिलाई देने का निर्णय लेती है। इस वक्त पूरे देश के अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, जिसके अंदर केंद्र सरकार को काफ़ी पावर्स हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को सीधे डायरेक्शन देती है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को क्या काम करना है। तो जो केंद्र सरकार आदेश देगी अगले 2-3 दिन में हम लोगों को पता चलेगा, उसके आधार पर सोमवार से दिल्ली के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। जो भी एक्टिविटीज़ शुरू हों
एक चीज़ का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, हमेशा मास्क पहन के घर से बाहर निकलना है, और ख़ास तौर से अपने बुज़ुर्गों का, प्रेग्नेंट महिलाओं का और जो कोमोर्बिडिटी वाले लोग हैं उनका ख़ास तौर से ख्याल रखना। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देश का पहला मोबाइल टीवी जो लगातार आपको रखेगा ताजा खबरों से अपडेट, घर से दूर हो या दफ्तर से बाहर, आप कहीं भी हो खबर छूटेगी नहीं। हर मिनट में ताजा हेडलाइंस के साथ राजनीति, खेल, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और तमाम दुनिया भर की खबरें। न्यूज 360 डिग्री टीवी 24x7 लाइव टीवी, ब्रेकिंग बाउंड्रीज।